टिंग्स टू राइज ऑफ दिनरेशन सबको नमस्कार यशु पीढ़ी का उदय में आपका शुभकामनाएं देते हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग धन्यवाद कि आज के दिन आप हमारे साथ जुड़े हैं एंड बिकॉज ऑफ God, क्योंकि अब ये खास समय परमेश्वर के लिए आपने अलग किया है गॉड इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्लेस यू परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देने वाले हैं यू नो इन बाइबल प्रिंसिपल ऑफ sowing एंड हार्वेस्टिंग बाइबल में एक सिद्धांत है बोने का और फसल काटने का वी सो आवर सीड हम अपने बीज को बोते हैं एंड देन इन ड्यू टाइम वी हार्वेस्ट उचित समय पर उसका फसल काटते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वॉट यू सो जो आप बोते हैं You will eventually harvest it. आप उसी का फसल काटेंगे That's why sowing is not about just about giving our offerings. इसीलिए बीज बोना सिर्फ हमारा दान देना ही नहीं है It's not just connected with money. ये सिर्फ पैसे की चीजों के साथ जुड़ा हुई बात नहीं है बट sowing is also about time मगर बोना हमारे समय को भी कहता है when you sow time in god's presence जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बोते हैं god redeems that time in your life परमेश्वर उस समय को आपके जीवन में वापस लौटाते हैं that's why paul said redeeming the time इसी वजह से प्रेरित पौलुस कहते हैं समय को वापस पाना

जुड़ चुके हैं एंड योर इज वेरी हैप्पी आपके पासवान बहुत खुश हो जाते हैं कि आपने सभा में शामिल हुए हैं। आप अपने वीडियो को बंद कर देते हैं। you are busy doing all your आप हैं आप व्यस्त रहते अपने सारे काम करते हुए परमेश्वर इन चीजों को नहीं चाहते हैं गॉड वाइम परमेश्वर के लिए हमारी समय जरूरत है एंड टाइम मीन्स एब्सुलट फोकस्ड डिशन टू हिम जब हम समय कहते हैं वास्तविक रीति में पूर्ण रीति से उस पे हम ध्यान देते हो उसके लिए हम समर्पित रहे हों पीपल पास है इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने समय नहीं बोया है दे गॉड परमेश्वर के लिए उन्होंने अपना समय नहीं दिया है

You love God, you come into God's presence, you remain in God's presence, and then you know what happens when we remain in His presence? Something very wonderful happens. You are transported to a space. प्लेस वेर देर इज नो टाइम आप ऐसे स्थान में भेज दिए जाते हैं जहां आपके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं रहता है देर इज नो टाइम dimension वहां पे समय की कोई दृष्टिकोण नहीं रहता है you know, time does not affect God. आप जानते हैं समय परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं कर सकता है Because our God is above time. क्योंकि हमारा परमेश्वर समय से भी ऊंचा है इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, टाइम विल नॉट बी factor इन आवर लाइफ समय हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग नहीं रहता है You'll be connected to eternity. आप अनंत के साथ जुड़ जाते हैं so we redeem time that way. इस रीति से हम अपने समय को वापस पाते हैं ऐसा ही हमने खोया हुआ समय को वापस पाते हैं माइ डियर जोशवास मेरे प्रिय लाइफ बिकम वेरी बिजी फॉर यू क्या आपकी जिंदगी बहुत व्यस्त हो चुका है आर यू रनिंग फ्रॉम हेयर टू देर यहां से वहां आप भाग रहे हैं क्या आर यू सर्चिंग फॉर अ डे आउट क्या आप उस दिन की अपेक्षा में हैं जहां आप विश्राम पाएं? Are you looking for a time out? या आपके लिए समय की अवकाश के लिए इंतजार में हैं? Let me give you a key. मैं कुंजी आपके लिए देना चाहता हूँ कम इन टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड परमेश्वर की उपस्थिति में आइए टाइम स्पेंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड जो समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करते हैं इज द टाइम we रिडीम फॉर इटर्निटी

वो बहुमूल्य उस खजाना को खरीदना चाहेगा अगर हो सके तो बट नो मैन कैन बाई इट मगर कोई भी इंसान उसे खरीद नहीं पाता है Do you know what is the treasure? आप जानते हो खजाना क्या है That priceless treasure. वो बेशकीमती खजाना It is the treasure of time. वो खजाना समय का है We always hear people saying. हर वक्त हम लोगों से ऐसे सुनते हैं Missed those days. उन दिनों को मैं बहुत ही चुकता हूँ I wish I could go back into time. आशा करता अगर मैं अपने समय में वापस जाता आई विश आई made. आशा करता हूँ कि जो गलती मैंने किया है उसे सुधारने पाऊँ आई विश आई life अगेन आशा करता हूँ अगर हो सके अपनी जिंदगी को फिर से शुरुआत करने पाऊँ a सीक्रेट एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ Yes, यू कैन हाँ आप कर सकते हैं यू माइटिंग हाउ इज इट पॉसिबल आप कहते होंगे ये कैसे संभव है That's exactly what Nicodemus asked Jesus. इसी बात को निकोडेमस ने यीशु से पूछा. Can a man go back into mother's womb? क्या इंसान अपने मां के कोख में वापस जा सकता है? Jesus said. यीशु ने कहा. Don't just talk about mother's womb. सिर्फ मां के कोख के विषय में बात मत कर. I'm talking about being born anew. मैं बात कर रहा हूँ कि एक नए रीति से जन्म लेना. A new thing. एक नई बात. A new life. एक नई जिंदगी न्यू बर्थ एक नई जन्म दैट्स वॉट हैपन्स वेन यू कम इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड यही बात होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं ये यू कैन गो बैक हाँ आप वापस जा सकते हैं यू कैन गो बैक आप वापस जा सकते हैं दैट्स वॉट रिपेंटेंस इज ऑल अबाउट मन फिराव इसी विषय पर है द मोमेंट यू रिपेंट जिस तन आप मन फिराते हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट कलेक्टिंग सम फ्यू गुड क्रिश्चियन हैबिट्स ऐसा नहीं है कि कुछ मसीह अच्छे आदतों को आप चुन रहे हैं The word repentance has been very limitedly defined. मन फिराव शब्द बहुत ही सीमित तरीके से उसकी विवरण दिया गया है In our Christian

क्या करना है, नहीं करना है उस विषय पर है शब्द शब्द बहुत छोटा बन गया। मगर मैं बताना चाहता का मतलब क्या है इट्स ऑल अबाउट गोइंग बैक वो वापस जाना है इन सिंपल टर्म्स is रिपेंटेंस इज turn सरल शब्दों में मन फिराव का मतलब है फिर से मुड़ जाना इज नॉट अबाउट

Again, ask forgiveness. फिर से आप क्षमा मांगो सो दर्कल गोज ऑन और ये गोल चक्कर चलता रहता है यू जस्ट गो राइट बैक वेर यू स्टार्ट वापिस वहाँ जाते हैं जैसे आपने शुरुआत किया एंड वेन यू टेक वे डू यू गो आप वो वो मोड को लेते हैं जहाँ आपको पहुंचना है मैथ्यू फोर सेवेंटीन में यीशु ने इस प्रकार कहा रिपेंट बिकॉजम ऑफ हेवन now. स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है इसलिए तुम मन फिराओ। क्यों मन फिरते हैं a kingdom. क्योंकि हमारे एक राज्य है Where did दिस किंगडम स्टार्ट ये राज्य कहां से शुरुआत हो रहा है You know, for us as human beings. हम इंसानों के लिए

स्मॉल पोर्सन ऑफ द्लेस वी स्थान था उस बगीचे का छोटे no, का मतलब एक या दो एकर का नहीं है इट्स बिग प्लेस एक बड़ी जगह है बट गॉड प्लाटेडन देयर मगर परमेश्वर ने एक वाटिका वहां पर लगाया है बिकॉज फोर रिवर्स यू टू रन थ्रू दैट गार्डन क्यूँकी उस वाटिका में से चार नदियां बहती थी सो देट गार्डन इज अ प्लेस वेयर द किंगडम स्टार्टेड और वो वाटिका स्थान था जहां से ये राज्य शुरुआत हुआ एंड एवर सिंस मैन and fell away from God's presence, जिस सन मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल गया Jesus came केम a mission. यीशु मसीह एक सेवकाई के साथ आए His ओनली मिशन इज टू टेक Man back to that garden. उनका एकमात्र से था कि मनुष्य को उस बाटिका में वापस ले इंसान को बाहर निकाल दिया था you and I had been removed from that garden। आप और हम उस बगीचे से बाहर निकाल दिए गए हैं But Jesus wants to take us back। मगर ये चाहते हैं कि हमें वापस वहाँ ले जाएं। that is what kingdom is all about। यही है राज्य के विषय पर

डिपेंडेंट ऑन योर टाइमिंग मन फिराव आपके समय पर निर्भर नहीं है रिपेंटेंस इज नॉट बाउंड बातु से बंधित नहीं है यू कैनोट रिपेंट वेन एवर यू वॉन्ट जब आप चाहें जब कभी आप मन नहीं फिरा नहीं सकते हैं बिकॉज देर विल सेटल अ हार्डनेस इन अ मैन हार्ट क्योंकि मनुष्य के हृदय के अंदर ऐसे कठोरता समा जाता है that only god can soften it वो सिर्फ परमेश्वर ही उसे हल्का कर सकते हैं you know what happened to pharaoh आप जानते हैं फरोन के अंदर क्या हुआ when moses went and declared god's mighty presence with signs and wonders in that land जब मूसा उसके पास जाके परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति को उस जमीन में उसने साबित करके दिखाया plagues after plagues started hitting the land of egypt महामारी से महामारी उस मिस्र देश के ऊपर वो हमला कर रहा था

जैसे ये प्रतियोगिता बढ़ने लगा उन्होंने हार मान लिया दिसंगर ऑफ गॉड कहने लगे ये तो परमेश्वर की उंगली की ओर से है दिस इज गॉड्स हैंड ये परमेश्वर की हाथ है दिस इज we वे बियॉन्ड वी far। ये उन सब चीजों से बढ़कर है जो अभी तक हमने अनुभव किया है दिस इज गॉड यही परमेश्वर है एंड plagues started。

सख्त मत करें डोंट मेक योर हार्ट लाइक स्टोन अपने हृदय को पत्थर समान मत बनाइए बट बी जॉयफुल मगर आप आनंदित होएं। बी थैंकफुल आभारी होएं। Rejoice because your season of repentance has come. आनंद मनाइए क्योंकि आपके मन फिराव का समय आ चुका है Let me tell you. मैं आपको बताना चाहता हूं। रिपेंटेंस कम्स फ्रॉम द लॉर्ड मन फिराव परमेश्वर की ओर से ही आता है Because he loves you so much. क्योंकि आपसे वो बहुत प्रेम करते हैं

आइए हम प्रार्थना करें फादर विंक यू स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं थैंक यू फॉर सीजन दैट्स कमिंग इन यंग जोशुआस लाइफ टुडे जवान यहूशो के जिंदगी में एक ऐसा समय आ रहा है प्रभु इसलिए धन्यवाद

बात करना बंद कर देंगे बट राइट नाउ मगर इस वक्त आई हियर द होल स्पीकिंग इन मेनी हार्ट मैं सुन पा रहा हूँ की पवित्र आत्मा बहुत से हृदय से बात कर रहे हैं द Spirit is स्पीकिंग टू many ऑफ योर यंग children राइट right नाउ पवित्र आत्मा आपके जवान बच्चों से बात कर रहे हैं एंड गॉड इज हियरिंग योर क्राइज परमेश्वर आपके पुकार को सुन रहे हैं Soften your योर हार्ट अपने हृदय को मुलायम करें open your hearts before god अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दें because your time has come now क्योंकि आपके समय आ पहुंचा है your season has come आपके ऋतु आ पहुंचा है the holy spirit is stirring your heart towards the father पवित्र आत्मा आपके हृदय को पिता की ओर मोड़ रहे हैं heaven is coming down to dwell with you स्वर्ग उतर के आ रहा है आपके बीच में वास करने के लिए god of अब्राहम preparing a way for the prodigals to return home. उड़ाव पुत्रों के लिए अब्राहम का परमेश्वर मार्ग तैयार कर रहा है कि घर come back home. बे निश्चय घर वापस आएंगे sisters. प्रिय भाइयों बहनों एक ऐसी आवाज आपके हृदय के अंदर हलचल मचा रहा है Jesus is stirring up your hearts. यीशु आपके हृदय को हिला रहे हैं up. जाग उठिए राइज जाग उठिए इन आई से राइज अप यीशु के नाम में आदेश देता हूँ कि आप जाग उठें बिकॉज योर टाइम कम क्योंकि आपके समय आ पहुँचा है गॉड इज डूंगस वर्क इन योर लाइफ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं रिपेंटेंस इज नथिंग टू ashamed अबाउट मन फिराव कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है That you feel ashamed before people. कि आप लोगों के सामने शर्मिंदा महसूस करते हो बट रिपेंटेंस इज अफुल थिंग मगर मन पराओ एक सुंदर बात है Because God is going to take you. क्योंकि परमेश्वर आपको उठाने वाले है यू आर लेटिंग गो एंड टेक एंड लेटिंग गॉड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ अपने जीवनों को आप छोड़ रहे हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन का नियंत्रण पा सके Yes, come before God's presence. हाँ प्रभु के उपस्थिति के सामने आइए फ्राई out. वो Open your बिफोर before Jesus. यीशु के सामने अपने हृदयों को खोल दीजिए वीप बिफोर Jesus. यीशु के सामने रोइए before Jesus. येशु के सामने विलाप करिए God of Abraham is hearing you right now. क्योंकि अब्राहम का परमेश्वर आपका सुन रहा है His hand is on your head. उनका हाथ आपके सर के ऊपर है। His blessing is upon you. उनकी आशीष आपके ऊपर है। That's why there's a wonderful stirring in your heart. इस वजह से एक अद्भुत हलचल आपके अंदर हो रहा है। Thank you father. धन्यवाद पिता। Thank you father. धन्यवाद पिता। Thank you for touching your children right now. धन्यवाद अपने संतानों को छूने के लिए। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अफ रिपेंटेंस इन योर लाइफ राइट ना धन्यवाद एक मन फिराव की रीत उनके जीवन में ला रहे हैं। दिस इज द डेडमेंट यही वो दिन जो ने बनाया है दिस इज दू है योर चिल्ड्रन यही वो दिन है जो आपने संतानों के लिए आपने बनाया है एंड दिस इज द डेर रिजॉय यही वो दिन वो आनंद मना रहे हैं थैंक यू फादर धन्यवाद पिता थैंक यू फादर धन्यवाद पिता थैंक यू फादर धन्यवाद पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं Amen. Amen. Joshuas, मेरे प्रिय अगले बार मिलते तक. God bless you. पर आपको आशीष दें इफ यू आर दिस प्रोग्राम प्लीज सेंड योर मनीज एंड फीडबैक्स टू एंजल टीवी विली चेन्नई 600049 तमिलनाडु इंडिया Email ID is एट एंजल अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए एंजल TV, Villivakkam, Chennai, चेन्नई Tamil शून्य शून्य चार नौ तमिलनाडु भारत हमारा ईमेल आईडी है प्रोग्राम्स डॉट हिंदी एट एंजल टी वी डॉट ओ आर जी